देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। बंद रहा शहर, सोशल मीडिया पर चल रहे मैसेजों के चलते आज बंद का असर गुना में भी देखने को मिला। हालांकि किसी भी तरह की कोई रैली या बंद को लेकर प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई। वहीं मंगलवार के चलते गुना में अधिकतर दुकानें बंद रहीं, जिसके कारण दुकानें तो नहीं खुली, साथ ही कई दुकानदारों ने अपनी शटर आदि लगाकर काम किया। इस बंद के चलते सबसे ज्यादा नुकसान उन दैनिक वेतन भोगियों को हुआ जो दिन में काम करके अपना घर चलाते हैं। इसके साथ ही पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पूरे शहर में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके चलते पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद दिखा। हालांकि किसी भी समुदाय या संगठन ने बंद का आह्वान नहीं किया, पर सोशल मीडिया पर बंद के आह्वान को लेकर पुलिस प्रशासन और गुना के आम नागरिक किसी भी तरह की कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए अधिकतर दुकानें बंद मिली। आज के बंद में खास बात यह रही कि इसका असर आम जनजीवन पर तो नहीं पड़ा, बल्कि पुलिस कर्मियों पर जरूर देखने को मिला, जो शहर के कई स्थानों पर रहकर अपनी ड्यूटी करते नजर आए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। पुलिस अधीक्षक भी दिन भर पेट्रोलिंग करते देखे गए। जिला एवं चिट फंड कंपनी पीड़ित संघर्ष समिति ने आज जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन, जिसमें मांग की गई कि जी लाइफ इंडिया और ग्रीन वीआर कंपनियों के द्वारा जो करोड़ों रुपए गरीब निवेशकों को लेकर भाग गई हैं, उन पर उच्च स्तरीय जांच की जाए एवं एफआईआर की जाए। सीधे पकड़ खड़े हो जा। सुशीला भाई ने बताया कि जी लाइफ में उसके पैसे जमा हैं जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर रखे थे, लेकिन कंपनी के दफ्तर में ताला लगा हुआ है। अब उसके पैसे कैसे मिलेंगे? मेरी लड़की की शादी है तो पैसा जमा नहीं है, जिन्हें करना है। वहीं रश्मि परियार ने बताया कि सुरेश शर्मा नामक व्यक्ति ने महिला को 5 साल में दोगुना पैसा करने का लालच देकर पैसा जमा कराया। अब जाकर जब उससे पैसे की मांग कर रहे हैं तो वो अच्छे से बात भी नहीं करता। जी लाइफ कंपनी में सुरेश शर्मा जी पूरी बांसखेड़ी से पेमेंट लेके गए, 2 साल से महिलाओं को परेशान कर रहे हैं और झूठा प्रलोभन दिया, 5 साल में डबल पेमेंट आपको मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिल पाया। और महिलाओं के घर शादी है बच्चियों की, लेकिन है ना पेमेंट कुछ भी नहीं दे रहे। वो सारी महिलाएँ परेशान हो रही हैं सर, और ऑफिस भी बंद कर रखा है सर। घर जाते हैं तो बोलता है कि है ना मेरा कोई पुलिस प्रशासन क्या बिगाड़ लेगी, और मैंने तो पेमेंट है ना सर उसी को, सब सारी बांसखेड़ी की महिलाओं ने सुरेश शर्मा को ही पेमेंट दिया है सर, बात करने के लिए भी तैयार नहीं है सर वो तो। इसके साथ ही एक और निवेशक सुनीता ने बताया कि उसका 8 लाख रुपए जमा है, वो भी सुरेश नाम का व्यक्ति नहीं दे रहा। पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा, कब से मेरा 8 लाख रुपए है। कौन नहीं दे रहा पैसे? सुरेश शर्मा। कौन सी कंपनी में? जी लाइफ। और मैं घर जाती हूँ, 2 बार तो मुझे घर से भागा दिया, पुलिस की धमकी देते हैं। लगभग कितना पैसा हुआ? मेरा 8 लाख रुपए। नरेंद्र भदौरिया ने बताया कि गुना से चिटफंड कंपनियों ने करोड़ों रुपए गुना से लूटे। वहीं भदौरिया ने आरोप लगाया कि सिर्फ गुना में एफआईआर नहीं हो पा रही है, गुना के अलावा कई स्थानों पर चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई हो चुकी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के चलते गुना में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये लोग सब जो है जी लाइफ इंडिया कॉलोनी डेवलपमेंट और एक ग्रीन बिहार, ये दो ऑफिस यहाँ के 5 लोगों ने खोला,
गुना के ही डायरेक्टर हैं, गुना में ही रहते हैं, और उन्होंने 2010 से लगभग 60 करोड़ रुपए का इन्होंने यहाँ धंधा किया, और इनके शिकार हुए गरीब लोग जो जानते नहीं थे कि पैसा हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। हमने मार्च 2017 में जिला कलेक्टर जिला एसपी को लिखा, लेकिन इन लोगों के विशेष दबाव से मैं ये मान के चलता हूँ कि भ्रष्टाचार की दम पर यहाँ पर FIR नहीं हुई है। हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इसकी लिखा पढ़ी की, तो इंदौर में FIR हुई, देवास में FIR हुई, सारंगपुर में FIR हुई, राजगढ़ में FIR हुई, भोपाल में FIR हुई, लेकिन गुना में पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने कोई FIR करने के निर्देश नहीं दिए। हमने सूचना के अधिकार से जहाँ मांगा तो वो ये कह रहे हैं सूचना के अधिकार में अंडर प्रोसेस चल रहा है, यानी जांच चल रही है। ये जांच कब तक चलेगी? और ये लोग जो पंजाबी मोहल्ला में ऑफिस था, दैनिक भास्कर का ऑफिस ऊपर नीचे और उसके ऊपर जो है इसका जी लाइफ का ऑफिस और बहुत VIP एरिया में ऑफिस, उसको इन्होंने अभी 15-20 दिन पहले बंद कर दिया। हमारी मांग है अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो लोगों की समस्याओं को सुना जावे, ऑफिस को खोला जावे, और जो मध्य प्रदेश निपेक्षकों का नियम अधिनियम 2000 है उसके तहत एक कार्रवाई की जाए और लोगों को कम से कम 50% पैसा इनको वापस किया जाए। इनके बच्चों की शादी है, इनकी बेटियों की पढ़ाई के पैसे की दम पे इनने किया, झूठे प्रलोभन दे के दिया है, तो यह प्रशासन दिलवाई, प्रशासन की जिम्मेदारी है। ठीक है। अचानक गुजरिया तालाब में पल रही मछलियां मरने लगीं, जिसको लेकर कल मोहल्ले वासियों ने प्रशासन को अवगत कराया कि अचानक इतनी बड़ी तादाद में मछलियों का मरना समस्या परे था। वहीं आज गुजरिया तालाब की सफाई कराई गई, जिसमें से मछलियों को निकालकर ले जाया गया। वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी के द्वारा गुजरिया तालाब में जहरीला कचरा डाल दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय का आरोप है कि आसपास में फैक्ट्रियां होने के चलते उनका विषैला कचरा पुजरिया तालाब में डाला गया है, जिससे इन मछलियों की मौत हुई है। अब तो ये जांच के बाद ही सामने आएगा कि हुआ क्या है। ये मछलियों का क्या हो रहा है बुजरिया तालाब पे? जी इसमें क्या है, पहले से छोटी छोटी मछली थी वो बढ़ गई, केमिकल क्या है, इधर फैक्ट्रियाँ हैं दूध की और भी फैक्ट्रियाँ, उसका केमिकल वगैरह आया, उससे मरी है, तो उसको सफाई करा रहे हैं। इन मछलियों क्या हो रहा है देख रही, देख रहे देखो ना। सात तारीख से 15 तारीख तक हड़ताल का आह्वान कर रहे बार काउंसिलिंग के सदस्य अपनी हड़ताल वापस ले ली। हड़ताल के दूसरे एवं अंतिम दिन बार काउंसिलिंग के सदस्यों ने सुंदरकांड का पाठ कराया और भजन कीर्तन भी किए, जिससे उनकी मांगे जल्द ही मान ली जाएं। वहीं राज्य अधिवक्ता संघ के द्वारा बताया गया कि अधिवक्ता संघ की मांगे मान ली गई हैं, जिसके चलते अब हड़ताल जारी नहीं रहेगी और सभी अधिवक्ता कल से यानी 11 अप्रैल से अपने काम पर दोबारा लौट आएंगे। रा
आज अधिवक्ता परिषद मध्य प्रदेश ने जो अभी 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो कार पर से व्रत थे, जो हड़ताल थी, वो हड़ताल आज दिनांक 10/4/2018 को समाप्त हो गई है। अब न्यायालय में सभी वकील 11 तारीख से काम करेंगे, सभी मध्य प्रदेश के वकील काम पर लौटेंगे। तो आज ये क्या आज क्या कोई कार्य नहीं कर रहे थे तो सभी अधिवक्तागणों ने बताया कि ईश्वर का नाम लेके सुंदरकांड लेके अपना समय व्यतीत किया। कार्य से हम व्रत हैं, न्यायालीन कार्य कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए प्रभु राम का नाम लेवेगा इस संबंध में सुंदरकांड रखा गया। सभी अधिवक्तागणों की ऐसी इच्छा थी, सुंदरकांड कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, शांति बने और हड़ताल शीघ्र खत्म हो। तो वो प्रभु ने सुन ली और कल वो समाप्त हो गई और मांगे भी मान ली हैं। जैसा कि राज्य अधिवक्ता परिषद से हमको जानकारी लगी है, हमारी 70% से ऊपर मांगे मान ली गई। ठीक है। गल्ला मंडी में आज एक अलग ही मामला देखने को मिला, जिसमें व्यापारी और किसान एक दूसरे पर दोषारोपण करते नजर आए। जब कुछ भी मालूम नहीं था ना इनको मालूम था ना मुझे मालूम था, माल जो देगा मैंने बताया। चलते रहे अपने क्या करना, इनने माल तुलवाया भाई साहब ने, हमने माल तुलवा के पर्ची काटी और वो पर्ची 4,455 रुपए की है। ठीक है, इसके बावजूद इनके दो पर्चे थे, एक ही पर्ची, एक ही नाम के और एक ही गांव के कोटियार के। ठीक है, उसके बाद इनने इनके लड़के को फोन लगाया, फिर वो लड़का आया, लड़का दो पर्चे लेके आया, पर्चे वो दो ही एक ही भाव के नहीं निकले, मतलब पर्चा एक था 4140 रुपए का और एक था 4,455 रुपए। एक ट्रॉली पे दो पर्चे कैसे काट लिए? अलग अलग ट्रॉली के पर्चे थे वो, दो अलग अलग पर्चे चली का रहता है, दो माल ये दो क्यों करवाएगा, ये दो ट्रॉली का दो ट्रॉली एक दो डॉक्टर दो दूसरी लगाई होगी वो, एक ट्रॉली थोड़ी दो डबल बेकर में भरते हैं, अलग अलग ट्रॉली कहाँ है, तो वो टैली वही तो होता है, वो कहाँ कौन बताया, ये बता के व्यापारी थोड़ी बताएगा, ये ठीक है। इसके बाद दो ट्राली बाद एक और ट्राली खड़ी हुई है, इसमें वजन है 11 क्विंटल 13 क्विंटल। ठीक है, 11 क्विंटल। अब सुनना, अगली ट्राली 11 क्विंटल की खड़ी हुई है, वो खरीदी मैंने 4455 में। नाम क्या लगवाया? सावलिया खुटिया। दो पर्चा कटे, दो पर्चे हो गए 11 क्विंटल। अब आप सुनिए, ये हरा माल, ये बदामी माल, ये भाई साहब आए, ये 4455 वाला माल लेके 4455 में तुला गए। अब यहाँ से मेरे पास फोन आया कि भाई साहब ये माल इस कैटेगरी का नहीं है। मैंने कहा होगा 19-20, मेरे को कोई बात नहीं, तुलवा ले। तुल गया माल, जब मैं यहाँ आया मैंने नमूना देखा, मैंने कहा ये माल तो बदल गया। मैंने कहा एक काम करो, वो बदामी लिया था वो कहाँ है? बोले भाई साहब वो तो आया ही नहीं। 11 क्विंटल माल, मैंने 14 क्विंटल माल तुला दिया, 13
14 क्विंटल कैसे तोड़ गया? ये 13 क्विंटल वाला माल 11 क्विंटल में तोड़वा के चला गया। 13 का 14 जब हमने जानकारी लेना चाहिए कि आखिरकार मामला क्या है, तब पता चला कि खुटियावत का रहने वाला सावलिया धनिया बेचने गल्ला मंडी में पहुंचा था, जहां उसने एक व्यापारी को अपना धनिया बेचा, जिसके चलते व्यापारी द्वारा उसकी धनिया अच्छी तरह से जांच करने के उपरांत तोलकर उसके हिसाब से पर्चियां दे दी गई। वहीं किसान का आरोप है कि उसने गल्ला मंडी से जाने के कई देर बाद व्यापारी का फोन आता है और व्यापारी द्वारा कहा जाता है कि धनिया तुमने जो बेचा था वह खराब है। नहीं तो तुम्हारा कहना क्या है? मेरा कहना यह है कि मुझे 14-15 को पेमेंट किया था। आपको अभी कितना पेमेंट किया? अभी तो मुझे कहने का 12 आ गए थे, 20 क्विंटल के सामने था, फिर वापस कर लो। तुम्हारा धनिया नहीं है ये? मेरा धनिया जी नहीं है, मतलब दही, माल दही का है, मतलब जी नहीं है, बता। मतलब तुमने माल इधर ही बेचा है? हाँ। और जी धनिया नहीं है? हाँ। है? धोखाधड़ी कर रहे हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? वहीं व्यापारी का कहना है कि जब वह दुकान पर वापस आया तो मुनीम द्वारा तौल कर आए गए धनी को देखकर किसान को बुलाया गया, क्योंकि किसान व्यापारी को खराब क्वालिटी का धनिया बेच गया था। दो ट्रोलियां थी, दोनों ट्रोलियां मेरे यहाँ बिकी हैं, एक 4140 रुपए में और एक 4455 रुपए में। ठीक है ना, माल टूट रहा था, 7-8 बोरी माल बची थी। जब मैं घर से यहाँ आया, मैंने मुनीम से पूछा कौन सा माल टूट रहा है, मुनीम बोला भाई साहब ईगल टूट रहा है। मैं क्या भाव का है कि 4455 का? मैंने सैंपल देखा, देखते ही मैंने कहा यह माल भाव का हो ही नहीं सकता है। मैं ये माल 41-41 रुपए बिक रहे थे, मेरे बेटे को फोन लगा, बेटे को मैंने फोन लगाया, बेटा ये बोला कि बाबा 15 मिनट की मंडी बची है, मैं घर आ रहा हूँ। जैसे बेटा आया तब तक किसान का माल खोल के हमने पर्चे बना के इसको 12,000 कुछ रुपये दे दिए। मैं कन्फर्म हो जाएंगे, हमने कहा 50,000 रुपये की बाकी जो मैंने करेंगे। बेटा आया, बेटे ने सिंपल देखा, बेटा मुझसे देखते ही बोला पापा ये 41-40 की ट्रोली है, 44-55 की ट्रोली वाला माल कहाँ है? हमने उसको फोन करके बुलवाया। तो किसान ये बोलता है ये माल मेरा है ही नहीं है। दूसरे किसान थे तो बोले भैया अभी एक ही ढेरी तुली है, तुलाव जी भी बोला एक ही ट्रोली तुली है, दूसरा माल ही नहीं तुला था उस टाइम पे। ये नमूना रखा हुआ है और अंदर तेरी बोरी रखी हुई है, बोरी निकलवा के इसको बताई, तब इतना कहा था ये मेरा ही माल है। फिर बोलता है कि साहब मैं 10,000 रुपये आप रखो, मैंने भाड़े वाले को पैसे दे दिए, ट्रोली लेके आ रहा हूँ, माल निकलवा के ले जाऊंगा, हम इंतजार कर रहे हैं। इनका ये आरोप है कि आपने एक घंटे बाद बताया? एक घंटे बाद नहीं, एक घंटा बाद नहीं, ये तलावटी आ गया, एक घंटे बाद नहीं, आधा सही मैंने कहा, आधा सही बोला है। इनका ये बोलना है कि माल चेंज कर दिया आपने, नहीं अभी तलावटी लगा। यहाँ एक बात जो समझ में नहीं आई वह ये रही कि जब किसान धनिया लेकर आया था तो व्यापारी या उसकी दुकान पर बैठे किसी कर्मचारी द्वारा इस बात की पुष्टि क्यों नहीं की गई कि धनिया खराब है या अच्छा, या फिर यूं कहें कि व्यापारी की नीयत बिगड़ गई। क्योंकि अगर कोई किसान धनिया खराब लेकर आता है तो व्यापारी लेते ही क्यों? अब देखने लायक होगा कि किस तरह से गल्ला मंडी प्रशासन किसान के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में क्या कर पाता है। मंडी वाले ने आप बड़ा कर रहे हैं भाई, मान ले लोगों मंडी वाले बात खत्म हो गई, खाली एक लेके आए दो लेके आए, हट जाओ हट जाओ, किसकी है आपकी है भाई? सामने वाले ने दो ट्राली, एक धान की दो है, एक ट्राली कर गई 55 रुपए की पर्ची का। जब कुछ भी मालूम नहीं था ना इनको मालूम था ना मुझे मालूम था, माल जो देगा मैंने ही बताया, इनने माल तुलवाया भाई साहब ने, हमने माल तुलवा के पर्ची काटी और वो पर्ची 4,455 रुपए की है। ठीक है, इसके बावजूद इनके दो पर्चे थे, एक ही पर्ची, एक ही नाम के और एक ही गांव के कोटियार के। ठीक है, उसके बाद इनने इनके लड़के को फोन लगाया, फिर वो लड़का आया, लड़का दो पर्चे लेके आया, पर्चे वो दो ही एक ही भाव के नहीं निकले, मतलब पर्चा एक था 4140 रुपए का और एक था 4455 रुपए। एक ट्रॉली पर दो पर्चे कैसे काट दिए? अलग अलग ट्रॉली के पर्चे थे वो, दो अलग अलग पर्चे एक्चुअली का रहता है, दो माल भी। डीजे न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।